इस साल जनवरी में जब मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 12वीं सदी के इस मंदिर के बाहर इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया था तो इसके कई राजनीतिक मायने निकाले गए थे, जिसकी गूंज इस बार के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी सुनाई दे रही है। देश के चार धाम में से एक जगन्नाथ मंदिर को धरती का बैकुंठ माना गया है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ओडिशा में आजकल तपती गर्मी है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में भी भक्तों की भीड़ की कमी नहीं। 17 जनवरी 2024 को इसी साल जनवरी में जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था। यहाँ के स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि पर्यटक भी यहाँ सुविधा और विकास की बात कर रहे हैं। गौरम गौरम ताजा ताजा यारे यारे गौरम गौरम ताजा ताजा जी कोई तो चेन्नई है यहाँ पर है, जो गवर्नमेंट है वो सारी सुविधा की है, बहुत सुविधा है। कौन सी सुविधा से आप खुश हैं? गर्म से एसी लगा है, ठंडा से लोगों आराम से जाना है। बुद्धा पूरी में श्रृंखलित दर्शन ये है मुद्दा। पहले से बहुत अच्छा किया है और लाइन के लिए वहाँ पर सब अच्छा बनाया है। यहाँ पर लाइन के लिए इशूज हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स। सो इन सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें जो भी कैंडिडेट अच्छा लगेगा हम उसी को वोट कास्ट करेंगे। पूरी के जो ऑटो वाले हैं वो लोग भी मतलब क्या रूड बिहेवियर्स अपना दिखाते हैं। मतलब हम लोग बाहर से अगर आए हैं तो मतलब वो कुछ भी अपना रेटिंग से देते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसे करना चाहिए जिस मतलब जैसे कि बाहर टूरिज्म के लिए सुविधा हो। वैसे पूरी लोकसभा सीट 1998 से ही बीजेडी का गढ़ रही है। मौजूदा बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा के चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद अब बीजेडी ने अरूप पटनायक को जिम्मेदारी दी है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे पटनायक साल 2019 में भुवनेश्वर से चुनाव लड़े थे और बीजेपी की अपराजिता सारंगी से हार गए थे, लेकिन वो कहते हैं कि हार ने उनको बहुत कुछ सिखाया है। पिछले बार के मुकाबले इस बार तैयारी कैसी है और कितना अलग है ये मुकाबला आपके लिए? नहीं, इस समय जो तैयारी है वो थोड़ा सा पुख्ता है, क्योंकि पिछले बार में जब आया था 5 साल पहले तो ये प्रक्रिया के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं थी। जो आपके विरोधी हैं बीजेपी, वो इस राज्य में विकास और ख़ास तौर से पुरी के विकास को भी एक मुद्दा बनाए हुए हैं। जगन्नाथ टेम्पल कॉरिडोर के इनॉग्रेशन को लेकर भी एक मुद्दा बना हुआ है, उसका क्या जवाब देंगे? नहीं, कॉरिडोर का तो उन्होंने सब विरोध किया था। मैं उनके बारे में ज़्यादा जितनी मुझे मालूम आता है, मैंने कहा ना ये मेरे लिए नया कॉन्स्टिट्यूएंसी है, फिर भी हम लोग चौकन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। किसको लेके? कॉरिडोर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो तो शुरू से ही सवाल उठा, उनका काम ही था कि इसको बंद कराना है। उनका जो मेन था वो सवाल कायम को उठाते रहेंगे, विकास नहीं होना चाहिए यहाँ पे, कॉरिडोर नहीं होना चाहिए, इसका स्टैंड तो उन्होंने ले चुके हैं। ये यहाँ पे भी और जो भुवनेश्वर की जो सांसद थी, ये दोनों आके सारा कोर्ट कचहरी किया इन्होंने। जितना उनको जितना हो सकता था वो किया उन्होंने बंद करने का, पर वो प्रयास सफल नहीं हुआ। एक आखिरी सवाल ये कि जो आपके सामने खड़े हैं बीजेपी के कैंडिडेट संबित पात्रा, वो कह रहे हैं कि वो पिछले 5 सालों में उन्होंने बहुत काम किया और घर घर जाकर वो अपना रिपोर्ट कार्ड भी दे रहे हैं, उसका जवाब देंगे आप? नहीं, उन्होंने क्या रिपोर्ट कार्ड दिया नहीं दिया, क्या गारंटी दिया नहीं दिया, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। उसको लोग कैसे ग्रहण करेंगे, वो कैसे वो लोग ग्रहण करेंगे वो उनके ऊपर है। जैसे मैंने कहा ये आगे जो 25 तारीख को उसका जवाब लोग देंगे। उन्होंने कोई बनाया, कुछ गारंटी किया, कौन सा वो जो किताब विताब कुछ बांट रहे हैं, मुझे लगा मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं वो किताब, और कुछ गारंटी की बात कर रहे हैं, तो पता नहीं वो कौन सा गारंटी है क्या है, क्योंकि मैं इसी ज़िले से हूँ, मैं पूरी से मेरे नाश्ता है, मैं यहाँ का हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत काबिल हूँ, पर नेचुरली मेरा स्टेक ज़्यादा है, मेरे जो नाते रिश्ते और मेरे जो स्टेक्स वो कुछ ज़्यादा है, और वो प्रतिद्वंदी कहाँ से हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। हालांकि मुश्किल यहाँ कांग्रेस पार्टी की है, जिनकी उम्मीदवार सुचरिता मोहंती ने टिकट लौटा दिया। मोहंती ने कहा कि उन्हें प्रचार के लिए पार्टी से फंड ही नहीं मिल रहा था। इसके बाद कांग्रेस ने जय नारायण पटनायक को उम्मीदवार बनाया।
आप जैसा कह रही कि आप चुनाव पहले भी लड़ चुकी हैं, तो इसका अंदाजा नहीं था कि इस तरह के खर्चे आएंगे और आपको क्या संभालना है और क्या नहीं, पार्टी कितना मदद करेगी? नहीं नहीं, चुनाव का तो मुझे मालूम है, मैंने लड़ चुकी हूँ, तब जब लड़ी थी पार्टी ने मुझे पूरा फंड्स भी दिया था चुनाव लड़ने के लिए, मुझे कोई ऐसे दिक्कत नहीं हुई थी। इस बार भी वही मैंने सोचा था कि पार्टी विल हेल्प मी फाइनेंशियली इवन अदरवाइज जो कैंपेन सपोर्ट के लिए करेगी। फिर यहाँ के जो इंचार्ज हैं, ओडिशा के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने मुझे एक बार बुलाया और कहा कि आपको इस बार कोई हम मदद नहीं कर सकते आपको कोई फाइनेंशियली इवन अदरवाइज ऑल्सो, और जो भी कैंपेन सपोर्ट हम कुछ नहीं दे सकते, आप अपना इंतज़ाम करो, आपको कैसे लड़ना है, क्या करना है, जो करना है आपको अपने आप करना है। वैसे बीजेडी का गढ़ कहे जाने वाले पुरी में पार्टी 1998 के बाद से लोकसभा कभी नहीं हारी है। जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर की टाइमिंग भी यहां के चुनावी समर में अहम भूमिका निभाने वाली है। पिछली बार यहां के 7 विधानसभा क्षेत्रों में से बीजेडी ने 5 और बीजेपी ने 2 पर जीत हासिल की थी। इस बार बीजेडी ओडिशा में धीरे धीरे बढ़ रहे बीजेपी के जनाधार को देखते हुए कोई ढील नहीं देना चाहती और बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। जगन्नाथपुरी 4 धामों में से एक है। ये संस्कृति, आस्था, सभ्यता, विश्वास और भक्ति का बड़ा केंद्र भी है, इसीलिए राजनीतिक लिहाज से ये केंद्र काफी अहमियत रखता है। देखना होगा कि ओडिशा के चुनावी समर में पुरी की लड़ाई कितनी असरदार रहने वाली है। पुरी से कैमरामैन अशोक महाले के साथ सिक्ता देव, NDTV इंडिया।